तालाब की बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके गांव में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। उसने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, किंतु उसमें पानी नहीं आया। बहुत यज्ञ करवाए, होम करवाए, पर पानी तो आया ही नहीं। साहूकार को किसी तांत्रिक ने बताया कि इस तालाब में पानी लाने के लिए अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने सोचा, बड़े बेटे की बलि दूँ तो बहू विधवा हो जाएगी, बड़े पोते की बलि देना ही ठीक होगा, पर बहू तो अपने बेटे की बलि नहीं देने देगी। सो साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया और पीछे से पोते की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब पानी से भर गया। सारा गांव तालाब की पूजा करने गया, किंतु साहूकार ने इस भय के कारण बहू को नहीं बुलाया कि यदि बहू बच्चे के विषय में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। बहू ने लोगों से सुना कि उसके ससुर के तालाब में पानी भर गया है और सारा गांव पूजा करने जा रहा है, तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसके ससुर ने इस उत्सव पर भी उसे नहीं बुलाया। बहू फिर भी पहन ओढ़ कर वह पूजा करने चली गई। उस दिन बछ बारस थी, सो पहले गाय बछड़े की पूजा करके फिर सबने तालाब की पूजा करी। पूजा करके बहू ने अपने लड़के को आवाज़ दी कि आकर पूजा का प्रसाद खा लेवे। सास ससुर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जनता की भलाई के लिए पोते की बलि तो चढ़ा दी, पर अब बहू को कैसे कहूँ कि उसका बेटा मैंने बलि चढ़ा दिया है, तुम ही लाज रखना, हे गाय माता तू ही रक्षा करना। उसी समय कीचड़ से बड़ा हुआ साहूकार का पोता तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। बहू ने लड़के को कीचड़ में भरा देखा तो सास से कहा, सासू जी, आपने इसके कपड़े तक नहीं बदले, सारा कीचड़ में सना है, सारा गांव नहा धोकर आया है, किंतु न तो आपने मुझे बुलाया और न ही मेरे बच्चे को नहलाया धुलाया। बहू की बात सुनकर सास ससुर रोने लगे और कहने लगे, बहू, ये तो तेरे भाग्य से जिया है, हमने तो इसे बलि चढ़ा दिया था, बहू हमें माफ कर दो। इस दिन से माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए तालाब का पूजन करने लगी, कहानी कहने लगी। कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबकी बछ बारस माता इसी प्रकार रक्षा करे, जैसे साहूकार की पोते की करी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।